हो जाता है मैं करता नहीं ना, करता करता तो फिर गड़बड़ हो जाती। कमाल हो रहा है, अच्छा कमाल हो रहा है। हाँ एक गाना है ना बड़ा सुंदर सा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करता तो वही है कुदरत, लेकिन नाम किसी बंदे का हो जाता है, सिर्फ मेरा नाम ही हो रहा है। चलो एक कमाल और कर देते हैं। तो अभी मुझे बताओ भी टाइमिंग की समस्या कैसे आपके जीवन में आ रही है, और एक नाइटफॉल वाली, इन दोनों को कर देते हैं क्लैश। तो बताओ मुझे इसके बारे में, खुल के बताओ। मतलब खुल के कैसे बताऊं? हाँ भी कैसे करते हो और कैसे टाइमिंग कम लग रहा है? अच्छा टाइमिंग, हाँ सर मतलब अगर मैं जैसे कुछ चीजें इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, जैसे कुछ भी, मतलब जैसे वो दवाई टाइप में समझ लो, चाहे ड्रिंक टाइप में कुछ भी समझ लो, हाँ कभी कभार गर्म करता हूँ, हाँ तो ठीक ठाक रहता है। अच्छा अच्छा, और तो दवाई कौन सी इस्तेमाल करते हो? दवाई सर मैं मतलब लोग बाग उसको सीसी बोलते हैं सर, वैसे सीसी मतलब ये दवाई की होती है सर, ये मतलब, अच्छा पीने वाली या खाने? हाँ, वो खांसी की होती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होती है। अच्छा वैसे तो मैं मतलब उसको उसी टाइम पे यूज करता हूँ, पहले तो खैर मैं दिमाग के चक्कर में यूज करने लग गया उसको। अच्छा कि भाई मेरा मतलब थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ठीक रहे। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे भी फिर मेरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा, तो वो भी बंद करनी पड़ गई मेरे को। फिर मैं मतलब जब कभी होता है ना हमारा मिलन, जब उसको रखने लग गया। अच्छा मतलब ड्रिंक दारू वारू से तो मेरे पेट में दिक्कत हो जाया करती, हाँ इस वजह से वो तो मैंने अवॉइड ही कर दी बिल्कुल। ठीक है, तो वो सीसी से मेरे मतलब पेट में दिक्कत हो ही नहीं करती, हाँ इस वजह से वो इस्तेमाल करने लग गया मैं। अच्छा, उससे टाइमिंग बढ़ जाती? हाँ सर। अच्छा तो टाइमिंग कितना लग जाता उससे? उससे हाँ टाइमिंग सर कम से कम ना कभी आधा घंटा, कभी एक घंटा। अच्छा, और कभी कभी और भी ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको लगता नहीं कि ये तो बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है सर, घंटा बहुत ज्यादा होता है। अरे सर मैं तो ऐसा ही हूँ। घंटा मैं तो ऐसा ही हूँ सर। देखो क्योंकि सामने वाला पार्टनर है, उसके साथ क्या हो जाता होगा घंटे में? अरे कुछ भी नहीं होता सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत उनको हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखो, एक तो है कि दोनों की संतुष्टि। देखो जितना ज्यादा टाइमिंग कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक है कि इंजॉयबल मूवमेंट उसमें कितने अच्छा, आए अच्छा, अच्छा। या एक चरम सुख होता है जिसमें कहते हैं कि आप जैसे संकलित होते हो, वीर्य डिस्चार्ज हुआ, ऐसे महिलाएं भी डिस्चार्ज होती हैं, तो उसे कहते हैं चरम सुख की प्राप्ति। तो वो उनका आया या नहीं आया ये मैटर करता है। तो कई महिलाओं की थोड़ी ज्यादा लंबी टाइमिंग होती है, कुछ की कम होती है, तो नॉर्मल 5-10 मिनट के आसपास ही ये टाइम रहता है, ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जो टाइमिंग हम काउंट करते हैं वो सारा करते हैं, उसमें फोर प्ले भी है, उसमें जो किसिंग का भी मैटर आता है, बातें भी होती हैं, एक सॉफ्ट टच भी होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सिर्फ पापा ने पेनिस अंदर डाला और स्ट्रोक जोर जोर से चल रहे हैं वो तो कुछ मिनटों का ही खेल होता है, उसको जितना लंबा नहीं खींचना है, उसमें लंबा खींचने में फायदा भी नहीं है। लेकिन उससे पहले का जो सीन है वो काफी ज्यादा आनंदित होता है, तो उसी से महिला एक्टिव होती है। अगर वो नहीं किया तो महिला फिर वो एक्टिव हो नहीं पाएगी, क्योंकि आदमी तो एकदम से तैयार हो जाता है और एकदम से ही ठंडा होता है, महिलाएं धीरे धीरे तैयार होती हैं और धीरे धीरे ठंडी होती हैं। तो ये आपने देखना है कि उनको किस चीज में आनंद मिलता है। हाँ, हर एक महिला का अपना अपना आनंद होता है, कि किसी को बातें करके अच्छा लगता है, किसी को किस करके अच्छा लगता है, किसी को होठों को चूम के, किसी को अपने जो ब्रेस्ट है वहां से अच्छा लगता है, किसी को जो ओरल करके अच्छा लगता है, या उनको क्या अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, किसी को तारीफ करके। वो तो सर मेरी खुशी में खुश है। हाँ, तो इसे इसमें क्या है कि कई बार वो अपनी खुशी बता नहीं पाती है, फिर भी आपको ढूंढनी पड़ेगी, औरत सीधे सीधे कुछ भी बताएगी नहीं, क्योंकि औरतें शर्मिली होती हैं, वो कुछ नहीं कहेंगी, वो अपना शरीर अपने पति को दे देती हैं कि उसके शरीर पर अधिकार है। हाँ, लेकिन उनको आपने फाइंड आउट करना होगा कि इस चीज से इनको खुशी मिलती है, उसके बाद पोजीशन भी निर्भर करती है।
कि पोजीशन से भी टाइमिंग का फर्क पड़ता है। अगर महिलाएं आपके ऊपर हैं तो महिला को कम टाइम लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा। अगर आप ऊपर हो तो महिला को ज्यादा टाइम लगेगा, आपको कम लगेगा डिस्चार्ज होने में। पहले तो सर मेरे को थोड़ा सा सही हुआ करता, लेकिन अब तो मेरा मतलब अगर मैं कुछ वैसा नहीं करूँ ना तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है। जल्दी इन द सेंस कितनी देर में? मतलब डाला और होगा काम थोड़ी बहुत देर, थोड़ी सी देर में हो जाएगा अगर मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। जल्दी जल्दी मतलब कितनी मिनट? क्या बताऊं सर आपको, जल्दी से जल्दी एक दो मिनट बस। एक मिनट में हो जाएगा। एक मिनट में तब होता है जब क्या है कि हमने सीधा जल्दबाजी की, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे करना है। उसमें सबसे पहले क्या करना है, पहले जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी चाहे किसिंग हो चाहे ओरल हो, उससे आप पूरा उसे एक्टिवेट करो, जितना हो सके उसे पूरा खुल के एक्टिवेट करो। और धीरे धीरे टच करना है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से पूरा हार्ड टच किया तो गड़बड़ हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। तो सॉफ्ट टच बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे चमड़ी का मात्र स्पर्श, बस हल्का सा स्पर्श जरूरी है, ज्यादा स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। तो उससे देखो उनकी आंखों में आंखें कहां बंद हो जाती हैं, या कहां उसको एकदम से मदहोशी सी छाती है, उसकी मदहोशी को पकड़ो। तो जो जिन चीजों में उसको मदहोशी आ जाती है, उसी को हल्के हल्के धीरे धीरे बार बार करते जाओ, तो उसी में वो काफी संतुष्ट हो जाएंगी। फिर वो अपने आप ही कह देंगी कि अब तो रुको मत, तो उसमें वो जल्दी से आ जाएंगे एक दो मिनट में। और आपने फिर क्या करना है कि आपने एकदम से स्ट्रोक नहीं करने हैं, या उसको ऊपर ले आना है पोजीशन में, उसको करने देना है, पहले उसको उसको डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है। और जब आपका, मान लो कि जब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, होने से कुछ सेकंड पहले, 30 सेकंड पहले, आपने क्या है कि अपना ध्यान कहीं और ले जाना है, ध्यान भटका देना है भी, एकदम से अपना ध्यान कहीं दूसरी चीज में, एकदम से जैसे छू लिया किसी चीज को, मोबाइल देख लिया, या एकदम से अपना ध्यान पूरा भटका दो और लिंग को निकाल लो चे बाहर, तो उससे क्या कि वो रुक जाएगा, तो जो निकलने वाला था वो एकदम से रुक जाएगा। एकदम से ध्यान भटका तो फिर 5-4 मिनट के बाद ही वो मौसम पकड़ेगा, मतलब उसमें निकलने वाला वीर्य, निकलने वाला प्रोसेस, तो ऐसे टाइमिंग बढ़ जाएगी। सीधा ही आपने किया, जोर जोर से नहीं करना, धीरे धीरे से पहले उसको करने देना, ऐसे टाइमिंग आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो, घंटे तक बिना दवाई भी। देर तक टिक नहीं पाता मैं ऐसे। नहीं वो टिक ना, क्या कि वो टेक्निक होती है, मतलब गया थोड़ा बचपन में मास्टरबेशन वगैरह कुछ, नाइट फेयर ना इनका कोई चक्कर नहीं पड़ता, नाइट फेयर का या मास्टरबेशन का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका कोई लेना देना टाइमिंग से नहीं है। टाइमिंग से लेना देना सिर्फ तकनीक से है और हमारी जल्दबाजी से है, हम जल्दी करते हैं उसी के कारण हो जाता है। मतलब ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ये मतलब एकदम से सही होएगी धीरे धीरे? नहीं एकदम से हो जाएगी। तो आपने जैसे एक तो टाइमिंग वो नहीं खींचना कि जैसे काफी दिनों से कर रहे हो तो जल्दी आएगा, ठीक है, पहली बार में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा करोगे उसी रात को या अगले दिन तो फिर टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। आपने कई दिनों के बाद किया तो फिर जल्दी निकलता है, और उसमें भी आप रोक सकते हो भी, आप अपना ध्यान भटकाना मेन है और एक पोजीशन मेन है, पहले उसको पूरा एक्टिवेट करो। आपने कभी भी पहले खुद नहीं उस अवस्था को प्राप्त करना है, पहले उसको संतुष्ट करना है, अपने पार्टनर को, पार्टनर कोई भी हो सकता है, हाँ उसको पहले संतुष्ट करना है, उसके बाद खुद हल्के होना है। ज्यादातर जो मेल गलती क्या करते हैं कि, मैं आपकी बात नहीं कर रहा वैसे जर्नल, मैं वो तो करता हूँ सर यही, ऐसे ही करता हूँ। हाँ, अपना नहीं सोचना, उसका सोचना है पहले, फिर क्या कि प्यार भी बना रहेगा और वो संतुष्ट हो जाएगी, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बार। लेकिन मेरा सर कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मतलब मैं बात मतलब कि जैसे वही हाथ पल्ला लगाता हूँ ना, हाँ, उससे ज्यादा मैं गर्म हो जाता हूँ। हाँ हो जाता है, क्या आपके अंदर जल्दबाजी आ जाती है, जल्दबाजी मेरे में ज्यादा है। हाँ उसका मैं बता रहा हूँ तरीका आपको, आपने क्या करना है, हल्की लाइट रखनी है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी नहीं रखनी, बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं, हल्का जो जैसे 0 वाट वाला होता है, जैसे मंद मंद रोशनी सी हो, और उस समय एक हल्का सा म्यूजिक प्ले कर लेना, टुन टुन अलग अलग सा स्मूथिंग सा म्यूजिक, हल्का सा फोन में या स्पीकर में कहीं दूर रख देना उसे, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक, और अच्छी सी खुशबू जो भी है करके। और सबसे पहले क्या करना है आपने,
आपने पहले कुछ नहीं करना, पहले उसी से शुरुआत करनी है, चाहे अपनी पार्टनर से, पत्नी से, तो उसी से शुरुआत करनी है। मतलब पहले उसको छूना, आपने आपने अपने कपड़े पहले उतारने ही नहीं है, आपने अपने को टच नहीं करने देना, आपने पहले पूरा टच करना है उसको, पहले हल्के से टच करते रहना उसको, जहां भी टच करना अच्छा लगे, कुछ को होठों को टच करना, चूमना अच्छा लगता है, किसी को गालों को, किसी को छाती को अच्छा लगता है, किसी को ओरल तो करते हो या किया नहीं कभी, इसमें दोनों शक करते हैं एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को चूसते हैं? ना ना ऐसे नहीं करते। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं करते, तो कुछ महिलाओं को अलग लगता है जैसे वहां, तो उनको और अच्छा लगता है, तो जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं वो एक बार उनकी किया करो। ना उनको भी नहीं लगती। हाँ उनको अब क्या कर देते हैं चीजें। हाँ वो बिलीव बना हुआ ना कि वो धारणाएं बन गई हैं कि ये चीजें गंदी होती हैं, क्योंकि बचपन से हमें गलत सिखा दिया जाता है ये चीजें गंदी होती हैं, इसको नहीं चूसना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना ये चीज बहुत बेहतरीन होती है। मेल को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है, लगभग 98% क्या 99% मेल को ये चीजें पसंद रहती हैं। हाँ सर। हाँ चाय पियेंगे अभी। आ जाओ बहन जी। उन्होंने खा लिया खाना क्या मंजू जी ने? अच्छा अच्छा आप कब तक खाओगे खाना? अभी तो कितना टाइम हुआ सर? 12 बज गए। आप खाओगे खाना? मैंने तो खा लिया बस, तो थोड़ी देर लेट खा लूंगा। हाँ आपको जब खाना हो। वाह आप तो चाय भी पीने लगे अब। कमाल कर दे। कमाल तो सर आपने किया, मैं तो कई दिन से ही कर रहा था कमाल। कमाल तो वो था मेरा तो। अरे मेरे को पता नहीं था अभी आपको ये चाय वाली, मैं सोचा ये कौन सी इसको समस्या होगी। हाँ और मैं खुद ही चक्कर में था, मैं जिसको भी बताता था ना ये प्रॉब्लम, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई डॉक्टर भी सुन के हैरान हो जाए करते मेरी बात को, तो यार ये कैसी बीमारी है। बस डॉक्टरों को सोचता है ये पता नहीं क्या, उनको नहीं पता। मैं ये समझा क्या करता कि इस चीज की शायद बीमारी नहीं है। हाँ। या फिर इन चीजें बीमारी है, बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती है। आपको जो आपको अलग है, लोगों को पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होती है, आपको लगेगा अरे इसको पता नहीं क्या दिक्कतें हैं ये। एक बंदा आया था राजस्थान से था, वो भी तो वो पेशाब करने नहीं जाता था, वो एक दुकान में काम करता, उसको एक विचार बैठ गया कि अरे मैं पेशाब करने जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। अब वो इसी विचार को पकड़ के बैठा हुआ, अब वो दुकान में ही ना जाए काम करने, कहने मालिक निकाल देगा पेशाब करने जाऊंगा तो। बात ही मतलब बाथरूम नहीं करा करता। हाँ बाथरूम नहीं किया करता, पानी भी नहीं पीता, कहता पानी पीऊंगा तो पेशाब आएगा फिर मुझे निकाल देगा नौकरी से, कि सेठ बोलेगा। एक दी महिला इधर से ही थी, उसको एक विचार पकड़ गया कि सुबह अगर बच्चों की वैन नहीं आई तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इसी बात को लेकर के वो बीमार। क्या चीज सर? कि सुबह अगर बच्चों की वैन नहीं आई तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो होता है क्या करें, विचार है विचार, फंस गया फंस गया, जैसे पाइप में कोई कचरा फंस जाता है। सही बात। तो ऐसे दिमाग में विचार फंस जाता है साला क्या करें। मतलब खाली कचरा ही था मेरा। हाँ कचरा ही था और कुछ नहीं। कचरा फंसा हुआ था। मैं तो सर इतना परेशान हुआ करता इस चीज के लिए तो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत तगड़ा परेशान था मैं। और क्या, कचरे से ही तो परेशानी होती है। ये ऐसा समझे करता कि भैंस निराली बीमारी मेरे को मिली है क्या। हाँ। सबसे ज्यादा बस कचरा था, वो कचरा कोई भी हो सकता है। मेरे को पता है कचरा यहाँ से निकालना है, बस फूक मारेंगे जोर से या प्रेशर से पानी छोड़ देंगे पाइप में। मैं तो आपके बारे में भी यही समझ रहा था कि मैंने कि सर को भी कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, ये ऐसी खरीदी है। मैंने कि मैं कुछ खा पी लूं और यहीं ढेर हो जाऊं। मगर मैं कि यार अब मैंने कि बात तो माननी पड़ेगी। चलो हम टॉपिक पर आ जाते हैं, तो कहां हमारी बातचीत कि जैसे गंदा मानते हैं बहुत से लोग, खास करके हमारा जो कल्चर है राजस्थान का जो कल्चर है, जो मारवाड़ी कल्चर है, ये कुछ ज्यादा अंधविश्वासी सा कल्चर है। इसमें महिलाओं के बिलीफ है ना वो बहुत गलत बने हुए राजस्थान में। हाँ राजस्थानी महिलाओं के कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बात। हाँ, मैं भी उसी कल्चर से ही आता हूँ। नहीं सर बिल्कुल भी, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते सर। आप चाहे मैं वो गाड़ी भी दे दोगे तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा। मैं वो संस्कृति मतलब मैं मानूंगा नहीं उस चीज को, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो आप तो।
तो राजस्थान के खास करके जो महिलाएं हैं वो सेक्सुअल लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाती हैं, वो उतने ब्लीप गलत बने होते हैं उनके, एक तो ओरल नहीं कर पाती हैं वो भी, ओरल मतलब जो एक दूसरे के पार्ट को चूसते हैं दोनों, तो वो उनसे नहीं हो पाता क्योंकि वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये तो बहुत गंदा है, ये तो बहुत गंदी चीज है, इसमें ये होता है वो, इसलिए वो घिन मानती है इसे। लेकिन ये गंदा नहीं होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोज करो, जब अच्छा लगे कभी कभी कर लिया करो, चाहे दोनों एक दोनों नहा धो के पूरी तरह से अपने पार्ट्स की सफाई जरूरी है, ऐसा नहीं हो कोई सफाई ना हो, दोनों अपने अंगों को पूरी तरह से साफ रखें और कोई भी गुप्त रोग वाली ऐसी कोई समस्या ना हो, वो लुकोरिया की या दूसरी कोई भी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो इसे बोलते हैं ओरल या मुख मैथिन बोलते हैं, ये लिकोरिया सर मतलब वो जैसे अगर उसके हाथ पल्ला लगाएंगे ना तो वो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा ना, वो तो गीलापन तो सब में होता है, लुकोरिया होता है कि सफेद पानी सा कुछ गिरता रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ। कभी कभार हो जाता ना, वो अलग है, दवाई भी दिलवा दी मैंने वैसे ना, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं गिरता वो, उस समय नहीं आता। तो ये बिलीव गलत बना होता है, इसीलिए वो महिला खुद नहीं करती और ना ही करने देती है, लेकिन ये एंजॉयबल मोमेंट होते हैं काफी। मेरी घरवाली इस चीज के लिए वास्तव में मेरे को सख्त मना करती है इस चीज। हाँ, वो उसका पहले मैंने धार्मिक ट्राई किया था। हाँ, क्योंकि वो कल्चर ऐसा है ना, अगर वो पंजाब में या दिल्ली में पैदा हुई होती तो ऐसा ना करती वो। मैं तो यही समझ थी मेरी कि ऐसा जो मतलब कोई करते है ना तो मतलब बहुत ही लोबाग, मतलब दुनिया की जो परसेंटेज का हिसाब है ना, हाँ वो 10 या 5% ही करते होंगे शायद। हाँ, 5% तो नहीं करते, करते ज्यादा है लेकिन वो बताते नहीं है क्योंकि दूसरा उनके बारे में कहीं कहेगा भी ये ऐसा है, ऐसे करता है, लगभग करते हैं, कसर कोई नहीं छोड़ता है लेकिन बताते नहीं है। हाँ, सही बात। हाँ, कसर नहीं छोड़ते लगभग। तो फिर चक्कर ये भी था ना, मतलब जैसा अपन है वैसे अपन दो यार दोस्तों में, हाँ तो वो बताएंगे नहीं, नहीं फिर अपन भी तो नहीं बताते ना उनको। हाँ, तो वो भी नहीं बताते, अपन तो करा उस चीज को कर, अपन बताएंगे क्यों, बताएंगे नहीं वो, और वो अगर करते हैं तो वो इसलिए वैसे बताते नहीं बताते। हाँ, करते लगभग है लेकिन महिलाएं बहुत कम इसमें रुचि रख पाती हैं, खास करके राजस्थान या राजस्थानी कल्चर वाली। दिल्ली की महिलाएं हैं या जो अब जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, इली सर चाहे आपने, हाँ जो पढ़ी लिखी जनरेशन है ना वो इन चीजों में बिलीव नहीं करती है, वो अपना एंजॉय करती हैं। हाँ, अब जो सोशल मीडिया के कारण जो जनरेशन नहीं पैदा हो रही है ना उसमें ये बिलीफ नहीं है उन लड़कियों में, खास करके अब तो लड़की जनरेशन में ही आ जाती है वो, तो उनमें वो बिलीफ नहीं है। कहाँ पे सर? जो अब कहीं एक तो जो एडवांस एरिया हो गया जैसे मेट्रो सिटीज हैं, अच्छा, जो बड़े बड़े शहर हैं, हाँ वहाँ पे तो बिल्कुल खुला काम। हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा विचार भी खुले हैं, विचार भी खुले हैं, खास करके ये पंजाब और डर वाली बात नहीं है। हाँ, डर भी नहीं है, पंजाब चंडीगढ़ का एरिया है ये काफी एडवांस एरिया है, दिल्ली पूरा ही एडवांस है, दिल्ली में कोई नो टेंशन है क्योंकि दिल्ली में कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। इसके अलावा जो मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई है और भी हैदराबाद या जो अच्छे विकसित शहर है, वहां पर कोई बिलीफ नहीं है महिलाओं में, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पुराने बैकग्राउंड से हैं उनमें तो अभी भी हैं। हाँ, तो हम बात वही कर रहे थे कि वापस आ जाते हैं टॉपिक पर कि आपने क्या करना है, शुरुआत अपनी पत्नी से करनी है, उन्हीं को ही पहले पूरा गर्म करना है, आपने पहले गर्म नहीं होना है क्योंकि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आहिस्ता से, बिल्कुल चाहे एक बार में कुछ ना हो, चाहे ना करें वो ठीक है, लेकिन टेक्निक ठीक सीखना आपको जरूरी है, ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है, भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।